हाँ जी, तो माशाल्लाह सफाई वगैरह जी ना टोटल बेगम साहब ने झाड़ू वगैरह लगा लिया, तो आ टोड़े जड़े ना तकरीबन सारे साफ कर ले सिर्फ कच। हाँ जी, तो मिट्टी देख पूर जड़ा है ना कुट लिया, और नुमान जड़ा ना नहा दो के फ्रेश होके आ गया हूँ, ठीक है ना। पहले गर्मी आ गया लगती पी आई ना, हूँ गर्मी कोई लगती पी। हाँ मैं, हाँ जी, तो नुमान वास्ते जड़ा ना जूस भी ले लिया, बर्फ भी जी ले ली मैं रात में जी ना दिन तो ले ही आए इतने गर्मी जड़ी ना खीर की खड़ी है। बाकी टोड़ा जो साफ करना इस बड़े टोड़े के बीच जो ना समान है कर जो ना मतलब कागज वगैरह ये बोरियां वगैरह रख लेंगे। चलो ठीक, ज्यादा जो ना बैड आंदे आ ते प्लीज जेड़ा करना सानू जीवन दो। लेकिन मैनू किसी किस्म का माइंड कोई नहीं है भी तुसा बैड कमेंट किए मैं थोड़े ते नाराज हाँ ये गलबात। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा जो ना याद तो सानू करते हो सानू मेहनत तो ना इस वास्ते थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ते अज जिहड़ा कहना व्लॉग मैं लेट शुरू कर रहा हूँ इस करके क्योंकि मैं सवेर का चला गया सी तंदूरों के जिहड़े ना दाने लैन, क्योंकि दो तंदूरियां लैने आ ते जिन्हां चों एक तंदूरी जिहड़ा कहना मिलिया लैने तो उन्होंने 30 किलो दाने सी मतलब कि वो बनते हैं 1500-1600 रुपए के, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1000 रुपया दिता। तो सफ़र काफ़ी सारा ता करके लेट हो गई, हूँ तकरीबन जिहड़ा ना इस टाइम 2:30 का टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह हूँ चलने चल के सारे तो पहले उधर जगह उनकी सफाई करने सफाई करके मिट्टी कुट के जी ना बेहने क्योंकि इटा वगैरह जीडिया सारिया काफ़ी सारी खिलरिया पीन क्योंकि बारह जो आई है थलो मतलब चिक्कड़ जहा उनकी करके जी इटा रखिया सारे पहले चल के जड़िया साइड रख लेने। उस तो बाद तंदूरों के जो लिंबण वाले टोए ने मतलब जो तंदूर लिंबड़े ने छोटे या बड़े उन्होंने टोए चल के जो साफ कर लेने उस तो अट के फिर मिट्टी कुट के वो बेहने फिर अट के शाम टाइम तंदूरों की जी मुंज है ना क्योंकि तीसरा चौथा दिन है मैं क्या अनाज बनाना अज बनाना लेट हो जाती क्योंकि अब दो तंदूरियां जी माशाल्लाह ने उन्होंने कई ने पिंड दो तंदूरियां सानू और चाहिए ने तो इंशाल्लाह उन्होंने बना पहले जी तंदूरियां दो दें तो अज सिर्फ दो तीन तंदूरियां जी मिट्टी कुट के पिसाण क्योंकि पहले जी बना के उन्होंने दे लीए क्योंकि मौज भी जी ना थोड़ी हाल तक। और निजाब फातिमा जी ना इधर बहर बहेगी हाँ क्योंकि मैं काम कर जा रहा इस करके ना मंजा भी शायद जो उत्थे लैके जावगा क्योंकि उधर थलों उतू बैड तू डिग ना जाए इस करके जो इतने बहर ही लैके आया निजाब फातिमा इधली साइड से क्योंकि मैं दूसरे तीसरे दिन का सफाई कर लगा लेकिन नहीं हुई। तो अज उन्होंने जो मैं दाने लैन गया उन्होंने कहा सानू दो तीन दिन जी दो तंदूरियां पहुँचा क्योंकि उन्होंने घर जी तंदूरियां कोई नहीं तेन सारी सफाई जी इटा वगैरह जी सारियां पहले साइड तक करने ए इटा जी ने करी फिलहाल तो इतने पान दिन इधरों नुक्कर तो मिट्टी चक के जी ना कुट लवेंगे लेकिन सारा पहले जी ना आ सफाई करने क्योंकि इटा इतने जोड़ियां जो बारिश आई है उस करके मतलब कि स्लिप वगैरह ना हो बंदा तो तंदूरों जो टोड़े ना वो साफ कर लेंगे क्योंकि अज काफ़ी सारा जो ना मैं खुश हाँ। एक तो जो ना 1000 रुपया जो उधरों मिल गया, दूसरे नंबर जो है भी दो तंदूरियां का जो ना आर्डर मैंने मिल गया क्योंकि कल मैं सोच रहा अगर मैं छोटी तंदूरियां बनावा क्योंकि सीजन हूँ कोई नहीं आ कि अगे लैके जावगा विकनगियाँ या ना विकनगियाँ क्योंकि दो तंदूरियां का जो आर्डर मैंने ऑलरेडी जो मिल चुके तो इस करके नाल जड़िया ना होर ही बना लवेंगे मतलब कि 5-6 जड़िया पहले सोच रहा भी दो ही तंदूरियां जड़िया पहले बना लेना लेकिन 5-6 तंदूरियां जड़िया वो बना लेना तो इकट्ठिया जी इतों ही किराए से जो पहले रशका लैके जाता है उस रशके से लद लवेंगे तो लै जावे मतलब कि एक दो तीन या चार पिंड जो फिर तो इंशाल्लाह जी सारिया तंदूरियां बिक जाएगियां। लेकिन उस वे अल्लाह याद करके सारे पहले काम जो तंदूरों का शुरू करने क्योंकि नाल तंदूरियां बनाने उधरों जल चुल्हे जो बना लेने क्योंकि दो चुल्हे जो मैं बना के रखे से उस पिछे जो टाइम नहीं लगे इस करके चुल्हे जो कोई नहीं बनाए तो नाल मिट्टी जी चुल्हे दो भी जी कुट के बे लवेंगे नाल दो चुल्हे बना लवेंगे तीन चार जड़िया तंदूरियां बना लवेंगे। और जी बेगम साहब जो ना आ गए हेल्प कराने वास्ते हाँ ठीक हो गया क्योंकि मैं भी सोच रहा पहले इटा जी नटा लें उस तो बाद सारी सफाई करके फिर मिट्टी कोट के जी बेल लें उतने चर लाइट भी आ जाएगी क्योंकि पानी जो इस टाइम कोई नहीं है। हाँ जी चक उधर रख लिया इटा जी ने चाक फिलहाल इतने जोड़ लिया मिट्टी चक इतने कुट सा ठीक है। चलो ठीक है जड़ी नदलियां
ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਵਲ ਚ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਧੋਪੀ ਬੰਮ ਹਾਂ ਧੋਪੀ ਬੰਮ ਇੱਟਾਂ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਥੱਲੇ मिट्टी जी तकरीबन इको जी जी सारी करके सैड से जी इत कि मुड़ रख ली मैं जी बहर गई सीटनी है मिट्टी है सारी कोई गंद वगैरह तो इन आ कोई नहीं तो बाकी बेगम साहबा जी ना झाड़ू हूँ लगा रहे हैं तो मैं जो टोड़े जो तंदूर के चल के वो साफ कर लेंगे क्योंकि बेगम साहबा जी इतना झाड़ू ला लेंगे तो मैं जो पर साफ कर लेना कचरा वगैरह जरा ना काफ़ी सारा इतने जोड़ा ना क्योंकि फालतू फालतू चीज़ें अद्धे फिर रख दी वक्ती तौर इन्हें चिट्टा वगैरह जीडियां कचरा वगैरह जो सा टोटल जोड़ा ना कट के उत्थे जोड़ा नुक्कर से एक टोड़ा तो जोड़ा ना तकरीबन साफ किया तो गर्मी जी ना बहुत ही ज़्यादा क्योंकि गाबर की जी ना हबस की जी ना बहुत ज़्यादा बनी खोती है बाकी तो रौला एडा कोई नहीं है तो इस करके मैं जी इतने ही है ना दस एक मिनट साह कड़ लिया उसके बाद फिर दूजे टोड़े जोड़े ना सफाई और नुमान जेड़ा ना माशाल्लाह पानी लेके आ गया अच्छा तैनू क्यों पता मैं ट्रेन लगी है पता चलो ठीक है चल के खेड़ ते लाइट आंदी ना फिर ना लिया ठीक है ना माशाल्लाह नुमान नु देख लो पता ही आ के अबू जेड़ा ना मेरा काम कर रहा ते पानी जेड़ा ना अपने आप ही हालांकि मैं क्या ही कोई ना अपने आप ही जेड़ा ना पानी लेके आ गया ते हुण चला गया फिर खेडण वास्ते मैं भी जेड़ा ना सुनेल नु याद करके काम जेड़ा ना खत्म करिए क्योंकि लेट जी ना काफ़ी सारी हुई लकड़ा जीडिया ना चक के इधर रखने हैं क्योंकि आ छोटे तंदूर जो लिबड़े ने बड़े तंदूर होटल वाले तालिब जी ना खास जरूरत कोई नहीं बाकी है जिन्ना कचरा इन्हें जाके इधर इट्टा ले जेड़ा ना सट लिया सही ना चलो सट से या मोल शोज बनना ना रे लाड़ है थोड़ा मोड़ मोड़ बारिश ने भेज के जेड़ा ना हां जी कर ले का पत्थर उधरंगे भी हैं परो ओ हां पहली साइड से मिट्टी देते पण ਇਟਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਛੱਟੀ ਜਾ ਕਾਗਦ ਕੁਗਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁ ਕਰਦਾ ਦਿਵਿੰਦੀ ਮੜਾ ਗਾਂਦ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਕਰਾਂ ਸ਼ਿਕਰਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਸ਼ੌਂਗ ਕਿਕਰ ਸ਼ਿਕਰ ਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਲੱਕੜੀ हाँ जी अब तो सारी मैं बहुत खरीदे ली बस ही सन रह गया तो हूँ मैं बहुत खरीदे लेनी हाँ तुम जरा ने सह कट लवो तुम हम सह कट लो मैं बहुत खरे दे लेनी नहीं मैं दे लेनी आराम आ जाओ बह जाओ तुम बाकी जी बेगम साहबा जी ना झाड़ू दे रहे हैं तो मैं सोच रहा कि मिट्टी जी कुट लेना क्योंकि मिट्टी कुट के रख लेनी क्योंकि दस्ती लाइट आएगी उस तो बाद
मिटना बे लवांगे क्योंकि बिजली का कोई नहीं तो बार मतलब कि दो तीन तीन घंटे चली जाती है तो घंटा अद्धा जोड़ा ना आती है इस करके मिट्टी जी कुट के रख लें या लाइट आएगी फिर मोटर चलावे अलग खरीद देना पानी क्योंकि इस टाइम लाइट जी थोड़ी जी फुल होंगी है सारा दिन तो जी ना डैम लाइट होंगी है तो चलने सुने लगे तो मिट्टी। हाँ जी तो माशाल्लाह सफाई वगैरह जी ना टोटल बेगम साहब ने झाड़ू वगैरह लगा लिया तो आ टोड़े जोड़े ने तकरीबन सारे साफ कर ले सिर्फ कचरा रह गया कहें कहते तो बेगम साहब और जोड़े गाँव क्योंकि कचरा जोड़ा गाँव अभी बाहर सड़ने मिट्टी वगैरह जी अं छांट के उत्थे ही रख ले तो कुछ मिट्टी जी ना आ रख ली बाकी जोड़ा कचरा वो अभी बाहर सट देंगे तो मैं चलना चल के हूँ मिट्टी कुट लेंगे मान चाल ना कटवी शान अम्मी दी आज छुट्टी है आज मैं खबुन करने जा रहा हूं देख न किड्डी गर्मी है तू रहन तेरा अब्बू कार ले सिराल के कार लेने तू चल रहन दे नुमान गर्मी बहुत है छुट्टी आज का टीचर रखे उस छुट्टी के दिया ट्यूशन छुट्टी आज चलो ठीक है लेकिन मिट्टी रहन दे मोड़ भी अपना उधर बैठ जा अपना या फातिमा रखो तो मिट्टी जड़ी मैं कोट के मुड़ा देना ठीक है हाँ जी तो मिट्टी जिस टाइम जी सारी कुट ली उस तो बाद जी फिर थोड़े गलबात करने हाँ जी तो मिट्टी का पहला पूत जाना मैं कुट लिया तकरीबन अद्धा घंटा लग गया क्योंकि व्डे रोड़े हैं बरीक करद्या करद्या तकरीबन अद्धा घंटा जोड़ा ना लग गया मकौड़ा आ गया वेचो चक के दस गया गर्मी जड़ी ना खीर की खड़ी है लेकिन कोई नहीं मेहनत करनी है ना फिर क्योंकि बिल्कुल ही जी ना बरीक करनी होती रोड़ी जी ना बिच हिक ही ना रहे क्योंकि जी रोड़ी रह जाए बेजना ना गर्दी नहीं हो हाँ जी तो मिट्टी देख पूर जोड़ा है ना कुट लिया हूँ चलने चल के जोड़ा ना दस एक मिनट सह कड़ने क्योंकि दिल जोड़ा ना बहुत ज़्यादा घबरिया जा खोता क्योंकि मिट्टी जी ना बेनी भी है आन के क्योंकि लाइट जी हाले तक कोई नहीं आते तकरीबन तिना तंदूरिया जी ना मिट्टी मैं कुट ली तो बाकी दो तंदूरिया जी ना मिट्टी होर कुटनी लाइट आ जाती ना तो उतने चर दस मिनट रैसट ही कर लेने उस तो बाद मिट्टी दो होर कुट के जोड़े बे लेने अल्लाह करे लाइट जी ना आ जाए लाइट तो जो बहुत ज़्यादा ही जोड़ा ना मसला बनया खोता इतने एक तो आ जाए तो मतलब कि डैम जी ना बहुत आँधी मतलब कि लो आँधी तो पंप जोड़े ना पानी नहीं चाहते इस करके क्योंकि कल का ही पानी जोड़ा ना इधरों मामू और नलके तो बार के जोड़ा ना इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन वगैरह ही कपड़े वगैरह धोने होवन तो इधरों भी पानी जोड़ा ना कैन वगैरह ना बाल्टी वगैरह ना भर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह चलने चलते जो दस मिनट पहले रेस्ट कर लें उस तो बाद जो फिर आ मिट्टी कुट के जी बिन्ने क्योंकि दसी हुई तो जी अज भी मतलब कि बारिश वगैरह जोड़ा ना आनी आ लेकिन हाले तक तो यह कोई नहीं मतलब कि बदल बदल वगैरह जो है ना कोई नहीं बने ने बारिश जैसा कोई मकान वगैरह नज़र नहीं आ रहा तो लेकिन तंदूर वगैरह जो है शाम को मैं कज के ही समागा मतलब कि रात में जोड़ा ना फिर औखा हो जाता अनेरे मतलब कोई चीज़ नज़र नहीं आती तंदूर बाहर लेते जो छापर दे लवेंगे अंदर टोए जोड़े कजसा उस टाइम जिस टाइम मतलब कि बारिश आई और जी निजा फातिमा माशाल्लाह नहा दो बैठी अल दोते हैं पीना निजा फातिमा
पीना है। और नुमान जेड़ा ना नहा दो के फ्रेश होके आ गया, हूँ ठीक है ना? पहले गर्मी है लगती पी आई ना, हूँ गर्मी कोई लगती पी। हाँ मैं बर्फ भी ले आवा ते तेरे वास्ते जेड़ा ना जूस ही ले आवगा, दो मैं बहन पर अद्धो अद्ध पी लिया ठीक है, जूस ले आना। हाँ जी, तो नुमान वास्ते जेड़ा ना जूस भी ले लिया, बर्फ भी जी ले ली मैं रात में जी दिन तो ले आई, लेकिन कल शाम जी खत्म हो गई बर्फ, तो हूँ जो लै ली मैं टाइम में लै ली होना पानी, फिर बाद ठंडा कोई नहीं होना। बाकी एक गल जी जरूरी मैं और करनी आए, क्योंकि मैंने तो जो कमेंट वगैरह पढ़ने नहीं आते, एक दोस्त मेरे ने मैंने दसिया कि कमेंट जोड़े तेन बहुत ज़्यादा जोड़े ना बैड आते हैं, तो प्लीज़ जोड़ा क्या सूँ जीवन दो, लेकिन मैंने किसी किस्म का माइंड कोई नहीं है भी तुम बैड कमेंट किए मैं थोड़े तो नाराज आई गलबात। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा जोड़ा ना, याद तो सूँ करते हो सू मेहनत तो ना, इस वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ जोड़ा क्या जीवन दो, क्योंकि लोग जोड़ा ना फिर इतने रिश्तेदार हो गए यो जो हो गए फिर जोड़ा ना एक माहौल उड़ाते या गलबात करते, तो इस करके जोड़ा क्या थोड़ी बहुत बहुत मेहरबानी, कमेंट किया करो लेकिन अच्छा कमेंट जोड़ा ना कर दो, देखो थोड़ा कुछ जाता कोई नहीं है, मतलब तुम बैड कमेंट कर दो भी कुछ नहीं जाता, अच्छा कर दो कमेंट थोड़ा भी कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर तुम अच्छा करोगे तो इंशाल्लाह जोड़ा क्या साडा भी दिल करेगा काम कराने वास्ते, तो मतलब के व्लॉग बनाने वास्ते, तुसी बैड कमेंट करते हो थोड़ा जाता कुछ भी नहीं, लेकिन जोड़ा ना अगले बंदे जी ना परेशानी बन जाती है, टेंशन बन जाती है कि आ सानू इंज कर रहा या सानू यहोजी गल कर रहा, तो इस वास्ते बहुत बहुत थोड़ा शुक्रिया, तुसी सानू चाहे अच्छा कमेंट करो या बुरा करो, क्योंकि मैं पहले क्या मैंने तो जोड़ा ना पढ़ना नहीं आता, फिर जोड़ा क्या दोस्त वगैरह जो मैं दस देंगे कमेंट वगैरह जोड़ा क्या पढ़ते हैं मेरे, तो बाकी बहुत ही मेहरबानी बन थोड़ी जी होगी कि तुम अच्छे अच्छे जो कमेंट किए करोगे, बहुत शुक्रिया इतनी गल करनी है। बाकी जी लाइट तो जी ना आ गई आ, लेकिन पंप जोड़ा ना पानी मतलब कि जोड़ा ना नहीं चाह रहा, इस करके हम मिट्टी जी ना क्योंकि रात में लाइट फुल आएगी पानी जोड़ा ना भरेंगे, सवेरे फर्स्ट टाइम जी ना मिट्टी बेवेंगे, तो अज का विलाग ही जोड़ा ना इतें ही खत्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिलने हैं किसी नैक्सट अच्छे तो अच्छे विलाग के। फिलहाल इतना अपने प्यारे भाई जाज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।